G20 के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी ने सद्भाव की वकालत की, क्या है पूरी खबर जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट एक्सपोजिंग नाउ से। मैं हूं बुशरा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश G20 का नेतृत्व करते हुए एकता की विश्वव्यापी भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नवंबर में G20 शिखर सम्मेलन के अंत में आधिकारिक तौर पर इसे श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया था। भारत ने गुरुवार को अधिकृत रूप से राष्ट्रपति पद संभाला। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये भारतीयों के लिए गर्व की बात। इसी के साथ मोदी जी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, क्रिया उन्मुख और निर्णायक होगा। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की G20 अध्यक्षता को उपचार, सद्भाव और आशा वाला बनाने का भी आह्वान किया। भारत के राष्ट्रपति पद का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, जो संस्कृत वाक्यांश वासुदेव कटुकुंभ से प्रेरित है। आपको बता दें, हर साल एक अलग G20 सदस्य राज्य अध्यक्षता करता है और बैठकों के लिए एजेंडा तय करता है। भारत के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान डिजिटल मुद्दे और बहुपेक्षीय वित्तीय संस्थाओं के सुधार प्रमुख फोकस क्षेत्र होने की उम्मीद। नवंबर के शिखर सम्मेलन में भारत ने कहा था कि वह विशेष रूप से विकासशील देशों में डिजिटल डिवाइड को बनाए रखने के लिए काम करेगा। बाली शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों के भारत के अनुभव में हमने दिखाया है कि अगर हम डिजिटल वास्तुकला को समावेशी बनाते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला। साथ ही श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमने डिजिटल सार्वजनिक सामान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया है, जो खुले, समावेशी और अंतर सचालनीय है। फिर उन्होंने कहा है कि भारत G20 प्राथमिकताओं को वैश्विक दक्षिण में हमारे साथी यात्रियों, जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी कर दी जाती है, उनको अब अनसुना नहीं किया जाएगा। ये पहली बार है कि G20 ट्रॉय का शीर्ष समूह, जिसमें अतीत, वर्तमान और अगली अध्यक्षताएं शामिल हैं, भारत सितंबर 2023 में नई दिल्ली में अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये खबर बस यहीं तक। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।